hey guys welcome back to the channel and we have reached question number 36 of us driver our Stryver cp math playlist so let's see what the question is and the question name is Drazil and Date. okay so someday drazil want to go on a date with vartha lucky guy Drazil and water leaves on cartesian plane Darzil's home located in 0 comma 0. 0 so home is 0 comma 0. 0. and wada's home is located at point a comma b तो एक ओमा उसका कर रहा है ओके एनी स्टेप ही कैन मूव इन यूनिट डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन अच्छा या तो मूव करेगा या वर्टिकली मूव करेगा सिर्फ एक डेस्ट स्टेप इन अदर वर्ड्स एक्स वाई जा सकता है टॉप डाउन राइट अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन डॉट को नहीं पता भाई रास्ता का अब पता नहीं क्या हिसाब है सो ही रैंडमली चूज द डायरेक्शन ही विल गो इन ईच स्टेप तो हर एक स्टेप पे ना वो सोचता कभी इधर चल पड़ता हूँ कभी उधर चल पड़ता हूँ ही मे एक्सीडेंटली रिटर्न बैक टू हिज हाउस ड्यूरिंग इज ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर वापस ही आ जाए ब्राजील में इवन नोटिस दैट ही हैज टू ए बी एंड कंटिन्यू ट्रैवल ऐसा भी हो सकता है कि उसे पता चले वो घर पहुंच चुका है लेकिन वो फिर भी घूमता रहे लकली ट्रेवल राइट टू द पोजिशन ए बी सक्सेसफुल चलो भाई माई हाउस नहीं रस्ते का पता ना कुछ का उसमें कौन भरोसा करेगा शी इज नॉट श्योर दैट इज पॉसिबल टू गेट फ्राम जीरो टू ए कोमा बीन एक्टली वो कह रही है मुझे यकीन नहीं आ रहा एस स्टेप में पहुंच सकते हैं कोमा बी तक कैन यू फाइंड आउट इफ इट इज पॉसिबल फॉर वाडा तो बोल रही है की भाई पता लगा बंदी परेशानी में लेट्स सी तो इनपुट आपको दिया है ए और बी और एस दिया है अच्छा ए और बी देख रहे हो नेगेटिव में भी दिए हुए हमें तो नेगेटिव का मतलब समझ पा रहे हो कि जीरो को मैं जीरो कहीं पे है और उसे दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ जाना है ठीक है कार्टेशियन प्लेन एस दिया हुआ है हमें यहाँ पे एंड व्हाट इज एस ए बी एंड एस राइट

तो देखो जीरो को मैं जीरो से मुझे अगर ए कोमा बी तक पहुंचना है ठीक है किसी भी स्टेप पे तो जितना ए है ए इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा ठीक है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए कवर करना पड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है बी उतना वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा तो जो डिस्टेंस होना चाहिए ना दैट शुड बी ग्रेटर देन ए प्लस बी इतना तो मिनिमम उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू खुद ही देख लो कोई भी जीरो कोमा जीरो से अगर मुझे वन कोमा वन तक पहुंचना है राइट तो मुझे दो स्टेप लेने पड़ेंगे या तो मैं राइट जाऊंगा टॉप जाऊंगा या फिर मैं पहले टॉप जाऊंगा राइट जाऊंगा विजुलाइज कर पा रहे हो तो मुझे ये मैन डिस्टेंस होता है ठीक है यू कैन रीड अबाउट इट तो मैन हेट एंडस्टेंस होता है तो जितना हॉर्जेंटल डिस्टेंस उतना वर्टिकल डिस्टेंस मुझे कवर करना पड़ेगा तो देखते हैं इनपुट्स तो पहले इनपुट में इसने बोला पांच पांच और ग्यारह इसका मैन हेट एंडस्टेंस कितना होगा दस स्टेप कि मुझे मिनिमम दस स्टेप तो चलने पड़ेंगे बट ये कह रहा है ग्यारह में नो वाइज दैट देखो

आको के आ ही नहीं सकता क्योंकि आप जितने स्टेप गलत जाओगे देखो उतने स्टेप आपको सही डायरेक्शन में भी तो आने पड़ेंगे ना नंबर ऑफ रॉन्ग मूव्स इज इक्वल टू शुड बी नंबर ऑफ राइट मूव्स राइट तो इवन बनेगा दोनों का सम तो अगर जो फालतू डिस्टेंस है एक्स्ट्रा डिस्टेंस एक्स्ट्रा डिस्टेंस शुड बी इवन राइट तो बस यही लॉजिक है एंड लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट इट हमें क्या दिया हुआ है इसमें स्ट्रिंग थोड़ी दी हमें हमें तीन चीजें दी हुई है राइट कि भाई ए बी एंड डी ए कोमा बी कोमा डी तीनों को सेंज करा लेता हूँ अब मेरे को बोल रहा है कि रिमेनिंग डिस्टेंस बताओ तो रिमेनिंग मतलब एक्स्ट्रा रख लो इसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस की बात करते हैं एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या होगा पूछना उसे कितना है मैन एट डिस्टेंस मतलब उसने बोला डी स्टेप लगे मुझे एस मान लो डी को वट एवर डी माइनस ए प्लस बी या फिर माइनस ए माइनस बी ठीक है ब्रैकेट खोल दिया मैंने कुछ नहीं है सो so, इफ जो कि या तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस हो गए जीरो है? और जो आए, और right. तो इन दोनों में भाई तू झूठ बोल रहा है वी कान ट्रस्ट यू जस्ट प्रिंट आउट नो राइट एल्स इसका मतलब तू जो भी कह रहा है सच कह रहा है जस्ट प्रिंट आउट यस तो इतना सा केस है बट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट की ए और बी कैन बी नेगेटिव एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव राइट सो वी है एक्स्ट्रा शुड भी लेस देन जीरो और ये सो याव वॉट आर राइट को देख लेते हैं किसी के लिए रन करा के दस पंद्रह पच्चीस के तो पहुँच ही रहे जीरो फाइव वन राइट इसके लिए नो ही है जीरो जीरो टू इसके लिए देख लेते हैं ए वन है चले जाना चाहिए फिर भी चलो किसी के लिए चला ही लेते हैं maybe we have made any silly mistake simple man distance and for the extra one the number of wrong moves should be equal to number of right moves so that means the total number of extra moves should be even so it is showing no for the input 5511 that is perfect so let's try to submit it. So this is question number 36, right guys? Yeah. And let's try to submit it. Running. Running on test one two thirty-four. So yeah, guys, that's it. If you find this video helpful, just like and share it with your friends. Make sure you also subscribe to the channel. See you in the next one.